अगर आपको बहुत कम समय में एक अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के टॉप लीडर्स लाते हैं और उनसे टॉप इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। सो आई रेड अ वेरी वेरी सैड आर्टिकल टुडे और काफ़ी नेगेटिव था इंडिया के बारे में। तो हर कोई बात करता है दैट इंडिया विल बिकम वर्ल्ड पावर, इंडिया विल बिकम अ पावर, इंडिया विल बिकम सुपर पावर, ग्लोबली हम बहुत आगे होंगे, हर चीज़ है। पर इंडिया में कैसे आगे होंगे हम जब जो विमेन फोर्स है, हमारी वर्क फोर्स है, दे आर नॉट इवन लाइक 30% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, राइट? सो द आर्टिकल विच आई वॉज रीडिंग टूडे वॉज कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसने सबसे ज़्यादा विमेन को एम्प्लॉय कर रखा है, राइट? एंड उनका रेशियो पता है कितना है? पर एवरी 100 मैन देर आर ओनली 19.7 विमेन। मतलब अगर 100 लड़कों को जॉब मिली है तो 19.7 ही विमेन है जो काम करती है। Whereas population में इतना बड़ा गैप नहीं है, लाइक इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन, आई थिंक वुमेन आर मोर देन मैन इन कंट्री राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, राइट? तो उसके बाद भी देर आर वुमेन लेस वुमेन वर्कर्स, दैट्स फर्स्ट। सेकेंड इज विच वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल टू मी, जो मेरे को बहुत ही न्यू चीज़ लगी बट अगेन सैड एट द सेम टाइम, 72% ऑफ वुमेन वर्क फोर्स जो पूरे 19% की है, उसमें से जो 72% है वो सिर्फ सदर्न स्टेट से आती है। नॉर्थ में तो वो भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 72% जो है वो उससे आती। एंड थर्ड विच वॉज अगेन सैड, विच इज़ अगर एक इंसान सेम काम करने के लिए, एक लड़का जो है वो 100 रुपये कमाता है, वेमेन 87 रुपीज़ ही कमाती है। सेम काम, सेम टाइम, सेम वर्क आवर, सेम आउटपुट। सो डू यू थिंक दैट अगर आप दूसरी कंट्रीज़ देखो, दूसरी डेमोक्रेसीज़ देखो, जहाँ पे बहुत तेज़ी से जिन्होंने ग्रो किया है एंड जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई और फिर वो बड़े बने, जैसे बांग्लादेश, चाइना, वहाँ पे बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग, एंड बिकॉज बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग एग्रेसिवली, एकदम से इकोनॉमी में उन जितने भी रिसोर्सेज है हर चीज़ को यूज़ किया और कंट्रीज आगे बढ़ी हैं, राइट? बांग्लादेश क्लासिक एग्जाम्पल, चाइना का पूरा ग्रोथ तब हुआ जब बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग। तो इंडिया में तो ये हो ही नहीं रहा है। डू यू थिंक इसके बाद भी हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ वो होने वाली है? So I will give you a very unconventional viewpoint on this. See, while as you, हम सभी कह रहे हैं कि women education leads to employment usually. That's how it happens. Women education में we have achieved big strides. There is no doubt about it. Today I go to universities for their convocation. आधी से ज़रा जो जनता graduate हो रही होती है वो लड़कियाँ होती हैं, और जो टॉपर्स होती हैं उनमें तो 80-90% लड़कियाँ होती हैं। So middle पाने वाली वो काम नहीं करती। अब काम नहीं, काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि there are people who are recruiting, but then the barometer is not correct. Do you think so there is a choice, right? A lot of societies, for example, you look at the Scandinavian societies, इन्होंने जो ग्रोथ करी, इन्होंने शुरू में तो वेमेन को वर्कफोर्स में लाए, उसके बाद वेमेन चोज नॉट टू बी इन वर्कफोर्स। सो इफ इट्स मैटर ऑफ चॉइस एंड दैट इज सम वेमेन में भी चूजिंग कि मेरे को घर संभालना है, एंड आई थिंक हमने जो होम मेकर का रोल है, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट योर मदर, आई थिंक द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ वुमन और अ मैन, बट वुमेन आर मच बेटर एट हैंडलिंग चिल्ड्रन आई सपोज देन मैन आर, इज इमेंस इकोनॉमिक। हम प्रोडक्ट उसी के हैं, हम उसी जनरेशन के प्रोडक्ट हैं, आप और मैं और जितने भी लोग बैठे हैं, इवन द मैन फोक हु आर वर्किंग, वो इसीलिए हैं क्योंकि इनकी माओ ने काम छोड़ करके उनको बढ़ाने का पूरा काम किया है, फुल टाइम जॉब ये किया है। And nurturing is a very, very complicated business. Development nurturing is very, very difficult. Yeah. It's the human resource development is also an economic activity, na? Usse bhi to activity bani rahi hai. It's an investment into the future. A lot of times, this is a conscious choice. Agar especially agar educated women mein ho raha hai ki wo job nahi kar rahi hai, because they some of the two people, husband and wife, the wife chooses ki main family mein kaam karungi. Aur it's a very maybe you know not a very Delhi Gurgaon story, but in the tier one, tier two cities, this is a story which is sort of pervasive. We cannot deny it. And if they're making their choices and they are respected for those choices and they're rewarded for those choices, it's fine. It's their choice, right? And that's why you build a great workforce as well. Now, agar ye forcefully ho raha hai, ki a woman is not getting to work despite wanting to work and being educated for it or being paid less, as you said, that is something which is a systemic error. Wahan pe institutional fault hai. Usko, us fault line ko sahi karne ki aavashyakta bilkul hai. और उसको हम सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट जस्ट टू टेक नंबर्स कि 20% वुमेन वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग, इट शुड बी 50%, व्हाई इट शुड बी 50%, व्हाई नॉट 70%? देयर आर नर्सेस
who are probably 70-80% women. There are teachers who are 60-70% women. There are many professions where women are doing extremely well, you know, medical, education, and so on. And there are many more. We don't have the data, but I assume this will be the right figure to go. That, so we don't say, nahi, 50% kyun nahi hai. So sometimes people choose jobs which they best want to contribute in, and it's fine to do that. Men and women are that's how societies are built. Societies are built because each one brings in their competence on the table, and we do best for the country. And I think as long as somebody is not being forced to work, not work, forced to be out of work, which jo bhi hota hai, wo bhi hota hai, it's their choice. But choices should be free and fair. Now, we need to create a mechanism so that even if a woman chooses to, or even a man, if he chooses to be a homemaker, a man can also be a homemaker, there can be some sort of a compensation for it. Various government policies aspe aa chuki hain ki jaise Uttar Pradesh mein state mein ek policy aayi thi jisme women ko wo pension dete the, jo ghar pe bachchon ka khyal rakhti thi unko pension dete the, aur jis prakar se depending agar do bacche hain to itna pension milega, do se zyada hai to kam hota hai kai jagah. So it happened in multiple places. That may be a good thought, you know, you can actually compensate a homemaker. But to say any all women should have 50% participation in every single profession, it should be 50-50, then it would not be the optimal system. And I don't think it'll be a very happy system either. So it should be where X is good, you know, A gender is good, they should be more contributing there. Where the female gender is better, they should be actively contributing there. It's a matter of choice and also sometimes need. Economic needs also govern ki ghar mein do log kaam karenge ya ek. Jo nahi hona chahiye, unequal work, unequal pay for same amount of work should not happen. And forcefully, anyone being forced out of the workforce because of, you know, social reasons or being a lady or being a woman, that should not happen. So if that is not done, then it's fine. Bangladesh ka jo women empowerment aaya tha, wo kaafi had tak desperation driven tha. Matlab? मतलब they didn't have money, so they had to go out and do double jobs. ये भी तो होता है. आप lower middle class में if you go, then a lot of women work and also take care of the family. They do both. Double work. I don't think it's something which is healthy for a human being to bear both responsibilities. So and it, even if women is working, is the man sharing the responsibility in the home equally if she's earning? So दोनों ही काम कर रहे हैं. But वो भी नहीं होता है. Especially lower middle class में तो बिल्कुल नहीं होता है. और बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था. So it's a complex animal which cannot be put in a data ki 19% workforce is in manufacturing, and that's a bad news. What are they doing at home? If they're raising great families, it's a great contribution. Now, should we compensate for them? Yes, we should. We should compensate every homemaker, in my view. And governments have tried it. I mean, MP, UP, many other state, central government may also someday try that out. I think hum log hamari moms ko hamare professional careers mein jitna credit unhe dena chahiye usse bahut kam dete hain. तो हमें बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल करियर भी तभी बना क्योंकि मॉम्स ने इतनी हमारी हेल्प करी, इतना हमें डेवलप किया एज अ ह्यूमन बीइंग. इवन आवर फादर्स, आई डोंट थिंक आई नो एनीवन हुज़ फादर हैज सेड मम्मी को कि तुम कुछ कमाती नहीं. होंगे कुछ है, लेकिन उस जनरेशन में इट वॉज एक्सेप्टेड. इट्स फाइन, आई मीन जस्ट बिकॉज तुम घर चलाती हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोटी हो. यू आर लेसर देन मी. इनफैक्ट मेनी ऑफ टाइम्स इन माई जनरेशन स्पेशली फादर विल गिव द मनी टू द मदर. The mother will give money to the father back, you know, after deducting all home expenses and savings and all. And it was a naturally accepted way of living where nobody said ki tum bade ho, tum chote ho, iski wajah se. Yeah. I think that understanding was there. I think jab hum bahut western comparison karne lagte hai na, to ye bhi tootna shuru ho jata hai. Ki, you know, everything is monetized. Everything, kaun kitna kama raha hai, wo utna hi izzat mein wahi upar niche hai. अब प्रॉब्लम क्या है, सैलरी तो ऊपर नीचे होती है, बोनस आ गया तो वो ऊपर चली गई, बोनस चला गया तो तुम नीचे आ गए. मतलब ऐसे थोड़ी ना चलेगा. वी हैव टू, फैमिली इज अ मच स्ट्रॉन्गर थिंग देन देन मनी कैन बाय. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.